नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल में हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बताएंगे प्रतिशत कैसे किसी भी भिन्न वाली संख्या को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं। प्रतिशत का मतलब वो प्रतिशत वह संख्या सौ का कौन सा भाग है। प्रतिशत का मतलब सौ होता है, एक बटे सौ। तो यह जैसे हमारा उदाहरण है कि यह संख्या सौ की कितनी है, वन बाई टू, एक बटे दो सौ का कौन सा भाग है। यहाँ हल करेंगे, इसके बाद बताते हैं। प्रतिशत का मतलब हो जाता है कि वह कोई भी संख्या सौ का कौन सा भाग है। एक बटे दो, तो यहाँ एक बटे दो लिख कर यहाँ सौ ऊपर भी लिखेंगे और सौ नीचे वाले सौ को हम नहीं काटते हैं। अब यहाँ से देखिए, इसको हम काटेंगे पचास हो गए। पचास में एक का गुणा करेंगे, पचास बटा के सौ, यानी यह पचास सौ का पचासवां भाग है। ये हो गया हमारा पचास प्रतिशत। प्रतिशत का मतलब वही होता है कोई संख्या सौ का कौन सा भाग है। तो एक बटे दो जो है सौ का पचासवां भाग है, यानी आधा है उसका। इस प्रकार ये हम देखते हैं चार बटे पाँच को, चार बटे पाँच यहाँ बराबर पहला हमारा है या दूसरा, चार बटे पाँच इसमें भी सौ से हम गुणा कर देंगे सौ से। अब इस सौ को हम नहीं काटते हैं, इस सौ से या पाँच सौ का पाँच से या सौ कट जाएगा हमारा बीस बार में, तो बीस चौके हो जाएगा अस्सी बटा के सौ, यानी यह अस्सी प्रतिशत, यानी यह चार बटे पाँच सौ का अस्सीवां भाग है। एक और देखिए, यह जाएगा हमारा तीसरा, यह है दो बटा के दस। तो यहाँ जाएगा दो बटा के दस गुणे सौ बटा के सौ, इससे इसको हम काट देंगे, कट गया और यह आ जाएगा दो दामे बीस बटा के सौ, यानी बीस प्रतिशत। दो बटे दस सौ का बीसवां भाग है। इसी प्रकार किसी भी भिन्न वाली संख्या को आसानी से प्रतिशत में बदल सकते हैं। इस प्रकार की शॉर्ट वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। नमस्कार।